और 13, इसका दोबारा मैं लिख लूं, 5 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेस टू द पावर माइनस एक्स इक्वल 10। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने हल करना है, एक्स कीमत निकालनी है। तुमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है एज अ पावर आ जाए, तो इसको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करके फिर इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 5 को लिख सकता हूँ 5 × 5 रेज पावर एक्स। क्यों, दो पावर है ना। अगर आपको याद होगा, ये सब अगर ये एक पावर m हो, दूसरे एक पावर n हो, कोई से दो पावर, तो उसका आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये चीज़। तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ इस्तेमाल की, ठीक है ना, इसको लग किया। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 1 और 5 × -x, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लिख के ना लिखे इसका मतलब एक ही होता है। अब देखिए मज़ीद इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, देखिए 5 5 दोनों में मुख्त कामन है, तो ये 5 कामन निकाला, बाकी क्या बचा, ये चीज़, ये 10। 5 यहाँ पर ज़रब कर रही, उस तरफ जाकर क्या होगा, तकसीम होगा, तो 5 ताकत। अच्छा ये इसका मतलब क्या है, चलो पहले मैं लिख लूँ उसको, बाद में करते हैं। ये 10 तकसीम है 5। अच्छा जी, अब आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की किसी रकम की पावर मनफी में हो, तो अगर आप उसको नीचे ले जाए, तो बटे में ले जाए, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में तब्दील होगा। लाइक ये देखिए, अब इसको हम लेट कर सकते हैं। तो पहला काम ये हमने किया, अब दूसरा काम यहाँ से लेट फर्स्ट करें, या लेट इंग्लिश में लिख लें, 5 रेज टू द पावर एक्स बराबर क्या, वाई। तो जहाँ 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 5 ताकत एक्स है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वाई। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 1 है उसकी शक्ल ये बन जाएगी, इसकी जगह क्या होगा, वाई जमा 1/2 वाई बराबर है 2। अब क्या करेंगे, तरफेन को वाई से ज़रब देंगे, तो इस साइड को भी हमने क्या किया, वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ वाई। जहाँ समझ में ना आए पूछ सकते हैं, ये वाई वाई से कट 2y। अरे क्लियर, आगे देख ले, वाई स्क्वायर ये यहाँ पर प्लस हो रही, उस तरफ जाकर क्या होगा, माइनस 2y + 1। अच्छा अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो या परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल फार्मूले की सूरत में, कौन सी फार्मूले, अगर आप इसको 1 को अगर आप इस तरह लिख ले, 1 ये जो 1 है यहाँ पर, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, है ना, चलो इसी तरह लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर, देखे ये पहले रकम का मुरब्बा, ये क्या होगा, ये देखिए 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो तो उसकी वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, खुद 1 के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, ठीक है ना, वैसे भी 1 की कोई भी पावर हो 1 के बराबर। अच्छा अब फार्मूले के मुताबिक, अगर आपने देखा होगा फार्मूला भी हमारे पास क्या है, 1 2 जमा 2 ab जमा b, ये किसके बराबर है, a जमा b, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, वाई को हमने लिखा इस तरह, वाई का मुरब्बा, 1 को लिखा हमने 1 का मुरब्बा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 ज़रा पहली रकम ज़रा बे। अच्छा बाय द वे, ये अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना, दोनों फार्मूले। राइट साइड क्या है, 0। अब 1 2 − 2 ab जमा, तो ये बन गया फार्मूला, तो इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं वाई मनफी कुल का मुरब्बा, ये होल स्क्वायर, उस फार्मूले के मुताबिक, क्लियर है। अब
दोनों तरफ कम क्या करेंगे करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। या इसको दो मरतबा लिख लें, उसका जवाब क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ले ले या इसको फैक्टराइज कर ले, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या कर लें, चलो मैं सर दो दफ़ा लिखता हूँ इसको, या स्क्वायर रूट ले दे छोड़े, हाँ स्क्वायर रूट ले, चलो। तो स्क्वायर रूट लिया, खूब मालूम हो शुम, ज़ीरो ही ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं लगता, तो इस वजह से अगर यहाँ पर कोई और रकम होती तो हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो चूंकि ज़ीरो ही ज़ीरो के साथ कोई प्लस माइनस नहीं होता ही, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब वाई इस तरफ वन उस तरफ, ये यहाँ पर माइनस और इस तरफ जाकर क्या हुआ, प्लस। अब देखिए वाई हमने खुद लेट किया था ना इसको, अपनी आसानी खातिर इसको हमने मालूम करना है इस कीमत को, तो दोबारा यहाँ पर हम वाई की कीमत पुट करेंगे। तो वाई की किसके बराबर, वाई बराबर है फाइव रेज टू द पावर एक्स, तो इसकी जगह दोबारा इसको रिप्लेस किया, फाइव एक्स वन। अच्छा जी, अब ये बराबर उस वक्त हो सकता है कि अगर यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर फाइव है, तो इसको भी हमें फाइव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए चूंकि यहाँ पर वन है, तो वन को हम किसी भी इस सूरत में लिख सकते हैं, इस वन को, यहाँ पर कोई भी नंबर पावर ज़ीरो वो हमेशा किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि फाइव है, इस वजह से हमने यहाँ पर फाइव लिखा। वाइला ये बात याद रखिए कि कोई भी चीज़, कोई भी रकम हो जिस पावर ज़ीरो वो हमेशा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। अब इस वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव रेज टू द पावर ज़ीरो। यहाँ पर बेस सेम है, दरमियान में क्या है, इक्वल साइन है, सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि ये दोनों आपस में क्या हो, हाँ तो ये बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा जवाब आ गया। तो इसी को हम क्या करेंगे अभी, हल सेट या सॉल्यूशन सेट, ये चीज़ सही है, कोई सवाल तो नहीं।